अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं वकार अली एडवोकेट और आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक के हवाले से जो एम सी क्यूज़ हैं वो करेंगे इससे पहले वाली तीन वीडियो में हम सेवेंटी फाइव एम सी क्यूज़ रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट कर चुके हैं और व्यूअर्स ये जो एम सी क्यू नंबर सेवेंटी सिक्स है ये देखते हैं क्या है सेक्शन डैश ऑफ दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 is not applicable to searches under the control of narcotic substances एक्ट 1997 तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है ये सेक्शन 103 जो है सी का वो एप्लीकेबल नहीं है एमसीक्यू नंबर no. 77 सेवन है पनिशमेंट फॉर वैक्सेशियस एंट्री सर्च सीजर ऑफ अरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ट्वेंटी सिक्स है और करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन एम सी क्यू नंबर सेवेंटी एट है सेक्शन ट्वेंटी कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस एक्ट नाइनटीन नाइन्टी सेवन डील्स विद पनिशमेंट टू ये जी पुलिस ऑफिसर के लिए भी है और ऑफिसर ऑफ उफ एंटी नारकोटिक फोर्स के लिए भी है तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बनती है बोथ ए एंड बी एम सी क्यू नंबर वी ऊपर सेवेंटी नाइन है एनी पर्सन एम्पावर्ड अंडर सेक्शन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन हु विदाउट रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिश एंटर्स और सर्चेज और काज टू बी एंटर्ड और सर्च एनी बिल्डिंग प्लेस प्रीमाइज और कॉन्स शैल बी पनिश्ड विद एम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है ये तीन ईयर के लिए एक्सटेंड की जा सकती है एमसीक्यू नंबर व्यूअर 80 है हमारे पास सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल्स सीज्ड तो ये सेक्शन uh, 27 है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एमसीक्यू नंबर व्यूअर 81 है हमारे पास एवरी पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज्ड अंडर ए वारंट

In charge of the nearest police station, the special court having jurisdiction. So, correct option is both A and B. Option C is correct. MCQ number 83 A viewer, section 28 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 empowers DASH to invest officers of law enforcement agencies or any other officer. एज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फेडरल गवर्नमेंट। एम सी क्यू नंबर एटी फोर है एनी परसन नोइंगली एक्वायर ए एसेट विच हैज बिन फ्रोजन अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू थ्री ईयरस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एम सी क्यू नंबर एटी फाइव है चैप्टर डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सबस्टिज एक्ट 1997 नाइनटी सेवन डील्स विद फ्रीजिंग एंड फोर फ्यूचर ऑफ एसेट्स तो चैप्टर ये फोर है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एम सी नंबर एटी सिक्स है सेक्शन थर्टी सेवन ऑफ द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सबस्टांश एक्ट डील्स विद ये जो थर्टी सेवन है ना ये डील करता है फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के साथ डील करता है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एम सी क्यू नंबर एटी सेवन है व्यू पर सेक्शन थर्टी सेवन ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सबस्टांसिज एक्ट नाइनटीन नाइनटी सेवन एमपावर डैश टू पास ऑर्डर फॉर फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ द एक्यूज तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी कर सकता है और स्पेशल कोर्ट भी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी एम सी क्यू नंबर एटी एट है वैन फ्रीजिंग ऑफ एसेड्स इज मेड ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक दैन द A report about the freezing assets shall be placed within dash days before the special court. So, this seven days. Correct option is option A. Section uh, MCQ number eighty nine has section thirty eight of the Control of Narcotic Substances Act, nineteen ninety seven, deals with correct option is option C, tracing of assets. एम सी क्यू नंबर नाइन्टी हैन बी ट्रेसड बाई अथोराइज ऑफिसर अपोन ये जी रिसीट ऑफ कंप्लेंट है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है रिजनेबल सस्पिशन है ऑल ऑफ द जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ये तीनों तरीक़ों से ट्रेस uh, कर सकता है ए सट्स एम सी क्यू नंबर नाइन्टी वन है हमारे पास सेक्शन थर्टी एट सबसे टू Of the control of Narcotic Substances Act 1997 deals with information from A. Correct option is option B foreign court. MCQ number 92 hai, uh, uh, MCQ number 92 has section 39 of the control of Narcotic Substances Act 1997 deals with order for forfeiture of assets. Correct option is option C. अब यूवर जेमसी क्यू नंबर नाइनटी थ्री है वेर द स्पेशल कोर्ट कॉन्विक्ड अंडर सेक्शन थर्टीन और सेंटेंट फॉर मोर दैन थ्री ईयरस द डैश मे रिक्वेस्ट दैट कोर्ट फॉर फोर फीचर ऑफ एसेट्स ऑफ द कॉन्विक्टे डायरेक्टर जनरल है एंड एनी ऑथोरा ऑफिसर आथोराइज बायी ऐसोसिएट और रेलेटिव ऑफ़ दूज तो ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है ये सारे कर सकते हैं MCQ number 94 When a director general or authorized officer makes application for forfeiture of assets of accused, the application must contain list of assets. Correct option is option B. MCQ number 95 has section 44 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 empowers Dash to appoint administrator for management of frozen or forfeited assets. Correct option is option A. Federal government. MCQ number 96A, Section 44 of the Control of Narcotics Substances Act 1997, deals with management of assets frozen or forfeited. Correct option is option C. MCQ number 97A, Chapter 5 of the Control of Narcotics Substances Act 1997, deals with special courts. Correct option is option C. एम सी क्यू नंबर नाइन एट है सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट डील्स विद जोरिस्डिक स्पेशल कोर्ट तो ये सेक्शन फोर्टी फाइव है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एम सी क्यू नंबर नाइनटी नाइन है सेक्शन फोर्टी सिक्स ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सबसटेंशिज एक्ट नाइनटीन नाइनटी सैवन डील्स विद एसटेबलिशमेंट ऑफ स्पैशल कोर्ट्स है ये करैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एम सी क्यू नंबर वन एंड द लास्ट एम सी क्यू ऑफ दिस uh, वीडियो जो है ये है जी सेक्शन फोर्टी सिक्स ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक नार्कोटिक्स एक्ट प्रोवाइड्स डैश काइंड ऑफ स्पेशल कोर्ट्स तो ये टू काइंड हैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तो व्यूबर ये मेरी वीडियो को लाइक भी करें पूरा सुने मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो इन नेक्स्ट जो है इसी के ही पार्ट फाइव के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़